साई की बात। बच्चे जो तुम्हारे हाथ में नहीं है मेरे बच्चे, उसे छोड़ दो मेरे बच्चे, उसे छोड़ दो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है वो तुम्हारे साई के हाथ में है। तो बेफिक्र हो जाओ मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारा साई सब देख लेगा मेरे बच्चे। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुमने अपने नए जीवन में प्रवेश किया है, नया कदम रखा है, जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा नया जीवन बहुत खुशहाल होगा मेरे बच्चे, बहुत खुशहाल होगा। सिर्फ एक मेरे बच्चे, एक चीज़ ज़रूर करना, विश्वास को हमेशा कायम रखना मेरे बच्चे, क्योंकि जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होता वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है मेरे बच्चे। अपने रिश्ते में हमेशा ईमानदारी रखना मेरे बच्चे, हमेशा कभी बेईमानी मत करना, क्योंकि जो रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं ना, ईमानदारी से चलते हैं, वो रिश्ते सालों साल चलते हैं। मैं तो मेरे बच्चे तुम्हें बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब तक जो हुआ तुम्हारे अतीत में वो सब भूल कर मेरे बच्चे, जो तुमने नए जीवन में प्रवेश किया है, नया कदम रखा है, उसे नई तरीके से शुरुआत करना। कुछ मेरे बच्चों की अभी तक शादी नहीं हुई है और वो रिश्ते ढूंढ रहे हैं, वो बहुत परेशान हैं, जगह जगह भटकते हैं अपने रिश्तों के लिए, एक सही रिश्ते के लिए। उनके परिवार वाले भी बहुत चिंतित रहते हैं। अरे मेरे बच्चे क्यों चिंता करते हो, जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद ब खुद तुम्हारे बच्चों के सामने वो जीवन साथी लाकर खड़ा कर दूंगा मेरे बच्चे, तुम क्यों चिंता करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चों को अच्छे से अच्छा जीवन साथी मिले, जो ज़िंदगी भर उनका साथ निभाए, जो ज़िंदगी भर उनके साथ रहे, जो उन्हें खुश रखे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जल्दबाजी मत करो मेरे बच्चे, जल्दबाजी में हमेशा काम खराब होते हैं, जानते हो ना। जो जब लिखा है, जहाँ लिखा है, उसे वही मिलेगा मेरे बच्चे, तुम सबूरी रखो मेरे बच्चे, चिंता मत करो। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम जिस कार्यस्थल में हो ना, वहाँ पर मेरे बच्चे बहुत लोग ऐसे हैं जो तुम्हें तंग करने की बहुत कोशिश करते हैं, और जहाँ तुम काम कर रहे हो वहाँ पर मेरे बच्चे प्रतियोगिताएँ चलती हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए चमचागिरी भी करते हैं और हमेशा अच्छा अच्छा बनकर दिखाते हैं, चाहे भले ही पीठ पीछे वो काम करें या ना करें, लेकिन अपने से ऊपर वालों के सामने वो हमेशा अच्छा बनकर दिखाते हैं और तुम्हें नीचा दिखाते हैं। जबकि बात तो ये है कि तुम सबसे ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बल्कि उनसे भी ज़्यादा मेहनत करते हो। तुम्हारे अंदर दिखावा नहीं है, उनके अंदर बहुत दिखावा है, वो दिखावे में काम करते हैं। तो तुम चिंता क्यों करते हो मेरे बच्चे, दिखावा एक ना एक दिन सामने आ जाएगा और सच सबके सामने आएगा। तुम क्यों चिंता करते हो मेरे बच्चे, चाहे वो कितना भी दिखाने की कोशिश क्यों ना कर ले, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश क्यों ना कर ले, वो कर नहीं पाएंगे मेरे बच्चे। ज़्यादा दिनों तक तुम्हारा साईं उन्हें करने नहीं देगा और सच सामने ज़रूर आएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करना। रोना तो बंद कर दो, मैं जानता हूँ तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन बस कुछ महीने की बात है, कुछ महीने के अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, सब कुछ सही हो जाएगा और तुम्हारी उतनी ही इज्जत होगी, उतना तुम्हारा मान सम्मान होगा जितना पहले होता था मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता बिल्कुल मत करो। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो वैष्णो देवी जाने का सोच रहे हैं, उनकी कुछ मान्यता है जो अधूरी रह गई है, तो वो पूरी करना चाहते हैं। तो जाओ मेरे बच्चे, अभी तो मौसम भी ठीक है, अभी तुम जा सकते हो मेरे बच्चे, जाओ और माँ का आशीर्वाद लेकर आओ मेरे बच्चे, जाओ, तुम्हारा बहुत दिनों से मन है ना, जाओ। और रही चढ़ाई की बात, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करना, माँ है ना, माँ तुम्हारा हाथ पकड़कर ऊपर तक ले जाएगी मेरे बच्चे, तुम जाओ तो सही, चिंता बिल्कुल मत करना। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम चढ़ाई नहीं कर पाओगे, कर पाओगे मेरे बच्चे, तुम जाओ तो सही, हिम्मत करो, माँ खुद आकर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ऊपर तक ले जाएगी मेरे बच्चे, अपने दरबार में ले जाएगी और वहाँ तुम्हें बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत दर्शन होंगे माँ के, बहुत खूबसूरत मेरे बच्चे। जाओ तो सही और अपनी मन्नत को पूरा करके आना मेरे बच्चे। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे शरीर का मोटापा बहुत बढ़ता जा रहा है मेरे बच्चे, ये सही नहीं है मेरे बच्चे, आगे के लिए तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो रोज़ उठकर मेरे बच्चे व्यायाम करने की आदत डालो मेरे बच्चे, सैर करने जाया करो,
थोड़ी देर चला करो मेरे बच्चे, और हो सके तो घर में थोड़ा बहुत काम कर लिया करो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हारे यहाँ बहुत सारे कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरे बच्चे कि तुम कोई काम नहीं कर सकते। अपनी सेहत के लिए तो कर सकते हो ना मेरे बच्चे, चाहे थोड़ा थोड़ा ही करो लेकिन करो मेरे बच्चे। तुम्हारी सेहत नहीं तो खराब हो जाएगी, 10 तरह की बीमारियां तुम्हें लग जाएंगी मेरे बच्चे। समझो मेरे बच्चे और अपनी सेहत पर ध्यान दो। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी व्यापार करो मेरे बच्चे तो कभी सांझे में मत करना मेरे बच्चे। अगर सांझे में करोगे तो आज नहीं तो कल मन मुटाव होगा मेरे बच्चे, तब बहुत परेशान हो जाओगे। तो पहले से ही मेरे बच्चे ये निर्णय ले लो कि तुम व्यवसाय करो तो अपने आप से करो, अकेले करो मेरे बच्चे। चाहे उसमें लाभ हो या हानि हो मेरे बच्चे, वो तुम्हारा खुद का होगा। लेकिन अगर मेरे बच्चे तुम किसी को साथ लेकर करोगे, सांझे में करोगे, तो परेशान रहोगे मेरे बच्चे। वहाँ पर हमेशा मन मुटाव होंगे और आगे चलकर मेरे बच्चे तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और सुनो, तुम्हारे अंदर जो बदले की भावना उत्पन्न हुई है ना, उसे त्याग दो मेरे बच्चे। बदले की भावना में कुछ नहीं रखा मेरे बच्चे, कुछ नहीं रखा। अपना सब कुछ बर्बाद कर लोगे, ख़त्म कर लोगे मेरे बच्चे। लेकिन ये बदला कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी नहीं मेरे बच्चे। इसलिए कहता हूँ मेरे बच्चे, अपने मन पर बोझ लेकर मत जियो। जिसके लिए तुम्हारे अंदर नफरत है ना, उसे ख़त्म कर दो, उसे माफ़ कर दो मेरे बच्चे। और अपने आप को शांत रख कर, अपने अंदर को खाली कर कर आगे बढ़ जाओ ज़िंदगी में मेरे बच्चे। क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और तुम्हें आगे ज़िंदगी में बहुत मौके मिलेंगे मेरे बच्चे। अगर एक ही को लेकर बैठे रहोगे ज़िंदगी भर तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे, आगे कैसे बढ़ पाओगे अपनी ज़िंदगी में। तो माफ़ करो, अपने अंदर से बोझ को ख़त्म करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे अंदर विराजित हूँ मेरे बच्चे, और मुझे तकलीफ़ होती है तुम्हारे अंदर मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर विराजित हूँ और तुम्हारे अंदर इतना सब कुछ है तो मैं कैसे रह सकता हूँ मेरे बच्चे। समझो इस बात को और अपने बोझ को अंदर से ख़त्म करो, और ये बस तुम ही कर सकते हो, खुद से कर सकते हो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। गलतियाँ माफ़ की जाती हैं मेरे बच्चे, लेकिन चालाकियाँ नहीं मेरे बच्चे। अगर कोई गलती करे, अनजाने में करे, या फिर उससे गलती हो जाए, वो माफ़ी मांगे, तो उसे माफ़ कर देना मेरे बच्चे। लेकिन अगर कोई चालाकियाँ दिखाने की कोशिश करे और चालाकियाँ दिखाने के बाद तुमसे माफ़ी मांगे ना, तो उसे कभी माफ़ मत करना मेरे बच्चे। बल्कि अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना, उसकी तरफ मुड़कर मत देखना। मैं ये नहीं कहता कि माफ़ नहीं करोगे तो अपने अंदर बोझ लेके जीना, कभी नहीं मेरे बच्चे। उस इंसान को भूल जाना मेरे बच्चे हमेशा के लिए, और अपने अंदर का बोझ ख़त्म कर देना, उस पर ध्यान देना ही बंद कर देना। क्योंकि जो एक बार चालाकी चल सकता है, वो बार बार चल सकता है। उस इंसान पर भूल कर भी मेरे बच्चे विश्वास नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता मेरे बच्चे, कभी नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने जो मेरे नाम का प्रसाद बोला हुआ था, वो कब चढ़ाने आ रहे हो मेरे बच्चे? जल्दी से आ जाओ, अपनी बात पूरी करो मेरे बच्चे, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारा इंतज़ार है मेरे बच्चे। आना ज़रूर मेरे बच्चे, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।